मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो हम हो गए नहा के रेडी और 8 बजे तो लेट हो गए उठने में यार, इसलिए नहा लिए। अभी चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर, जल चढ़ाते हैं और बस आधे घंटे में दौड़ दौड़ के आते हैं अपन बढ़िया। तो अभी एक्सरसाइज करने आए थे, एक्सरसाइज जस्ट करके हटे तो अब चलते हैं बस भोलेनाथ के मंदिर। पूजा हो गई हमारी, जय भगवान जी, जय बाबा जी। तो अब चलते हैं बस मंदिर भाई। तो ये दौड़ते हुए हम आ गए हैं भाई वृंदावन लॉन के पास। एंड मौसम देखो आज पूरा बदली है, इधर मौसम बहुत सही है भाई, पूरा बदली कर दिया है बढ़िया। तो अगर आज सवेरे उठते तो कुछ अलग ही आनंद रहता रनिंग करने में, बट कोई नहीं, अभी भी मौसम सही है तो थोड़ा देर रनिंग करनी ही है। अभी मस्त दौड़ के आ गए हैं भाई और टाइम हो रहे हैं 8:35। तो मस्त नाश्ता करते हैं, पराठा और सब्जी, और फिर सीधे स्कूल के लिए निकलते हैं। तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए, जल चढ़ा लिया, एंड मौसम तो बहुत बढ़िया है यार, बाहर मज़ा ही आ गया आज। तो अभी चलते हैं बढ़िया स्कूल नाश्ता करके। मस्त देखो जयपुर मोड़ पहुंच गया भाई दौड़ दौड़ के, और यहीं से बस पकड़ना और निकलना है चपका, और लगभग 3.60 किलोमीटर हम दौड़ भी लिए यार। तो अब लंच टाइम में दौड़ लेंगे स्कूल की तरफ बढ़िया। तो अभी बस का इंतज़ार, वो भोलेनाथ, जय भोले शंकर। मुगा एरी किट है ना, जिसका इधर किट पालन नहीं करते, इसका किट पालन आसाम में ही करते हैं। इसका प्लांट सोम वर्ष, वो एक क्या है पौधा, हम प्रथम वर्ष में जून जुलाई में लगा देते हैं। एक एकड़ में 7,000 पौधे आते हैं, 3x2 की दूरी पे लगाते हैं, है ना। और इसके बाद क्या, जैसे प्रथम वर्ष में पौधे लगा, पूरा टेक्निकल गाइडेंस हमारे कर्मचारी हम किसानों को जाके देते हैं। पौधरोपण 1 साल में तैयार हो जाता है, 1 साल से, अरे 1 साल में पत्ती कम आएगी, दूसरे साल ज़्यादा आएगी, है ना। या इसको डिटेल बताऊं कैसे, थोड़ा थोड़ा बता दें। तो ये चलिए अब हम कीट पालन के संबंध में बताते हैं, है ना। कीट पालन, इसका कीट पालन अपन साल में 3 से 4 क्रॉप तक लिया जाता है। कीट पालन हेतु हमारे हितग्राहियों को, है ना, हमारे फार्म में जो है वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए अंडे प्रदान करते हैं। ये हमारे जो बीजागार है, बदबू नहीं होगा, तितली निकलता है। इन तितलियों को क्या करते हैं, हम पेड़ लगाते हैं या नेचुरल लग भी जाते हैं, नहीं लगते हैं तो हम लगवा देते हैं। क्या ना, तभी समझ आएगा। तो देखिए इसके पास पेयरिंग हो गया है ना, इस पेयरिंग लगने के बाद क्या होता है, 4-5 दिन का रहने देते हैं, इसके बाद डीपेयर कर देते हैं, होती है ना। उन तितलियों को क्या है, इस प्रकार से हम थैलों में डाल देते हैं, ये देखिए, है ना, दिख रहा है सबको। ये क्या है, हमारे 2 से 3 लीने रहता है, है ना। इसके बाद ये फर्टाइल मादा तितली इस प्रकार से अंडे देती है ना। और इसको क्या करते हैं, 3 दिन के बाद इसका माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट करते हैं। तो इसमें अगर इन तितलियों में अगर किसी में बीमारी है तो उस तितली के अंडे को हम रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। और जिनमें बीमारी नहीं होता उसको हम कलेक्ट करते हैं, है ना। और ये कीट पालन के लिए उपयोग में आता है। अब आप ये देखिए मादा तितली और नर तितली बड़ा होगा। तो मस्त इंडस्ट्री विजिट हो गया भाई बच्चों का, एग्रीकल्चर के बच्चों का, और हमारी वॉकिंग भी हो गई, और अभी हम कर रहे हैं रनिंग क्योंकि लंच टाइम हो गया है। और मस्त देखो फूल भी मिल गए, तो फूल तोड़ के अब जा रहे हैं वापसी दौड़ते हुए फिर स्कूल की ओर। तो लगभग 8 किलोमीटर की वॉकिंग स्कूल पहुँचते तक हो जाएगी हमारी डन। राइडिंग पे हम निकल गए भाई, एंड काफ़ी अंधेरा हो गया क्योंकि सुबह से बदली थी और अभी बदली, तो टाइमिंग 5:35 हो रहे हैं और हम आए NH-30 की तरफ। तो यहाँ से टर्निंग लेते हैं भाई वृंदावन लॉन के पास से, क्योंकि यहाँ से टर्निंग लेना सही रहेगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। अब जो कवर करना है सिटी में ही करना पड़ेगा घूम फिर के जैसे भी, क्योंकि इतने अंधेरे में सिर्फ लाइटिंग में चलने से ज़्यादा सही भाई। तो ये अपनी राम तैयारी मस्त निकल गए राइडिंग करने, ये राइडिंग करते 10 किलोमीटर कंप्लीट भाई, और हम हैं अभी फॉरेस्ट ऑफिस के सामने कुमारपारा।
अभी तो राइडिंग लंबी है अपनी, क्योंकि घर पहुँचते तक से 13 किलोमीटर होंगे, तो अभी करना है 4 किलोमीटर और कवर। तो ये दिक्कत है यार शाम को बस। ये अभी जा रहे थे वो वृंदावन वाले रास्ते में पहुँच गए, वृंदावन कॉलोनी वाले रास्ते में। हो रही अपनी राम प्यारी 17 किलोमीटर की राइडिंग डन। अब निकल रहे हैं इस राम प्यारी में, और मार्केट में कुछ काम है तो मार्केट में काम करते हैं बढ़िया। और भाव नरेंद्र सर का कॉल आया था भाई, तो नरेंद्र सर से मिल भी लेते हैं, क्योंकि एक महीने से ऊपर ही हो गया सर से मुलाकात भी नहीं हुई है, तो उनको कॉल कर लेंगे। मार्केट पहुँच गए हम मस्त, आ गए और बच चुके हैं 10:15। तो अभी चलते हैं बढ़िया डिनर करते हैं, मोबाइल लगाते हैं चार्ज में, अभी डिनर भी हो जाए और मोबाइल भी चार्ज हो जाए। हाँ डिनर में खड़ी भी नहीं, वो मजी खड़ी खा लेंगे एंड थोड़ी सी सब्जी वजी छेने तो वही खाते हैं मस्त, गरम गरम कढ़ी और चावल खाते हैं बढ़िया प्योर पंजाबी डिश। डिनर मस्त कढ़ी पराठा पापड़ चने की सब्जी एंड मिक्सचर। डिनर हो गया यार एंड अब आ गए आराम करने, 10 बज चुके हैं तो मॉर्निंग स्कूल अगर तो उठना है यार, पता नहीं कैसे उठेंगे। तो अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग आप लोग से अब सीधे।